हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम जो वीडियो लेकर आए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जाँच की प्रक्रिया बहुत लंबी है और इस जटिल प्रक्रिया में पैसा मिलना निवेशकों का अति शीघ्र स्वाभाविक नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ अड़चने जो है खुद आदर्श कंपनी के जो इनके जितने भी ऑफिसर लोग हैं वो इनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में हमने आपको ये बताना है कि इसमें केवल खुलासे होने में ही देरी नहीं हो रही है, बल्कि जो आदर्श समूह के साथ निवेश कर चुके हैं उन्हें भी राहत की अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आदर्श क्रेडिट मामले में क्या ताजा स्थिति है ये हम बताने के लिए आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख आए हैं। तो दोस्तों 26,00,000 रुपए का ऋण बांटने में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अर्थात ACCSL संचालकों की गड़बड़ियों का खुलासा करने की शुरुआत गंभीर धोखाधड़ी जाँच से सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर इस वक्त जांच में परिणाम निकल रहे हैं, अर्थात SFIO के दिल्ली कार्यालय से हुई जब आदर्श की यहाँ फाइल खुली तो किसी को भी एहसास आभास नहीं था कि पूरा आदर्श ग्रुप ही रेत के महल पर खड़ा है। SFIO अधिकारियों ने इस मामले में अहमदाबाद में ASSL की गतिविधियों में से 200 करोड़ रुपए का गोलमाल पकड़ा। समूह के चेयरमैन मुकेश मोदी, MD राहुल मोदी और CFO विवेक हरिवासी को 10 दिसंबर को जेल की हवा भी खिलाई, पर 10 दिन बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत भी मिल गई। लेकिन आदर्श समूह की मुसीबतें दोस्तों कम नहीं हो पा रही है। SIFO के शिकंजे से निकले तो राजस्थान पुलिस की SOG व राज्य का आयकर विभाग का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी विभाग इनके ऊपर अपनी जांच की छापे में जुटी हुई है और वो छापे लगातार इनके जारी हैं। कार्रवाई शुरू की जिसमें 10 करोड़ से अधिक की बेईमानी, जी हाँ दोस्तों 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति अचैट अटैच कर दी गई और ASSL के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मोदी की पत्नी दशा जैन के बकायदा 250,000 की सिरोही आवास पर इस समूह से जुड़े भरत दास वैष्णव के बकाया 4 करोड़ की आयकर वसूली के लिए सिरोही स्थित कमर्शियल प्रॉपर्टी की को कुर्क कर दिया। और दोस्तों 8,613 करोड़ रुपए ऋण वितरण किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी नियमिताओं की आशंका भी जताई जा रही है। SOG ने 28 दिसंबर 2018 को एक प्राथमिकता दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जो SOG अधिकारियों ने इस मामले में जहाँ भी हाथ रखा वहीं उन्हें गड़बड़ियाँ मिली। SOG जांच में पता लगा कि सोसाइटी संचालकों ने सबसे बड़ा अपराध तो सोसाइटी सदस्यों को एकत्र राशि का उपयोग कुछ ही सदस्यों के लिए किया। दिलचस्प बात यह है कि जमा राशि का लाभ जिन सदस्यों को आदर्श सोसाइटी ने दिया उनमें से अधिकतर मुकेश मोदी के परिवार व उनके परिचयों से जुड़े निकले। यह सोसाइटी कानून का उल्लंघन है दोस्तों, और ये उल्लंघन बहुत भारी पड़ गया। इस अपराध के लिए जांच अधिकारियों ने 25 मई को ASSL के 11 मौजूदा व पूर्व कार्यकर्ता धर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ACCSL पर शिकंजा कसने पर ED भी पीछे नहीं रहा। ED ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम अर्थात PMLA में जांच शुरू की। जांच में ईडी अब तक 15,000 करोड़ की संपत्तियां बैंक खातों में सेफ और फिक्स डिपॉजिट को प्रोविजनल अटैच किया है। इस राशि में 14,000 करोड़ रुपया मूल्य में के 500 से अधिक फ्लैट, प्लाट, कृषि भूमि व 100 से अधिक खातों में 24,000 करोड़ रुपया मूल्य का बैंक बैलेंस भी फिक्स डिपॉजिट है। इस
खास बात यह पूरी होने के बाद ईडी अधिकारियों ने इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी और आगे कार्रवाई में जो भी सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश होंगे उसी के सूत्रों के आधार पर दोस्तों आपके पैसे मिलने का एक रूपरेखा बनकर आएगी। तो दोस्तों अभी पैसा मिलने में थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बात जैन मैन है कि आपका पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई आप लोगों ने कंपनी में गवाई। लेकिन दोस्तों सरकार आपके खून पसीने की कमाई एक एक आपको देगी, लेकिन दोस्तों थोड़ा जांच में विलंब है और ये विलंब जब तक रहेगा दोस्तों जब तक सारे खुलासे इनके सामने नहीं आएंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपसे हम इजाजत चाहते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको और फिर खुलासा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।